आप सभी लोगों का हमारे शमाज गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त अच्छी फ्रूटिंग जो प्लांट्स में हुई है और बहुत लीप से जाबजा आपको ये फ्रूट्स दिख रहे होंगे। तो देखिए, मैं आपको ये नज़ारा दिखाने के लिए बहुत दिन से वेट कर रही थी कि सारे फ्रूट्स पक्के तैयार हो जाएं, फिर मैं आपको ये नज़ारा ज़रूर दिखाऊं। ये नारंगी के फल हैं, बहुत खट्टे होते हैं मगर बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और इसका तो बहुत यूज़ है। तो आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगी, तरीके भी बताऊंगी जो हम लोग आराम से अपने घर में एक प्लांट से कई प्लांट बना सकें। देखो, इसको हम लोग बूटी विधि भी कहते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले तो फ्रूट्स का नज़ारा दिखा दो। देखिए कितने ज़बरदस्त हैं, देखिए कितने सारे हैं और बहुत सारे झड़ गए हैं कि परसों हमारे यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही थी, उसमें काफ़ी जो पके पके हुए थे बहुत गिर गए हैं। अभी भी बहुत सारे लगे हुए हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग है, आप देख रहे हैं ना चारों तरफ से। और एक प्लांट से कई प्लांट कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत आसान तरीका। पहले तो देखिए कितना अच्छा नज़ारा, ये नज़ारा देखने के लिए बहुत दिन से वेट कर रही थी। और देखिए, हम लोग अगर इसकी कुछ कमेंट्स हैं, कुछ जवाब हैं जो बता भी, इस चलते चलते मैं आपको दिखा भी दूँ। देख रहे हैं ना आप, ये बूटी विधि से ये प्लांट से कई प्लांट बना लिए जाते हैं जो फ्रेंड्स को बांट देते हैं, कभी फ्रेंड्स हैं हमारे मिलने जुलने वाले या किसी को भी हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो देखिए इस तरह से प्लांट को बहुत आसानी से आप कई प्लांट बना सकते हो, फिर प्लांट की आपकी एक कटाई छटाई भी हो जाती समझ लीजिए और प्लांट भी बहुत सारे तैयार हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल मेथड है, वो भी बताऊंगी। तो और मेरे कुछ फ्रेंड्स से कुछ कमेंट्स का जवाब मैं देना चाहूंगी इसमें कि देखिए, वो लोग पूछे हैं कि हमारे यहाँ फ्रूटिंग अच्छी नहीं हो रही है, क्या हम ऐसा करें जो फ्रूट्स हमको बहुत अच्छे मिले, सॉइल में किस तरह से होनी चाहिए। तो देखिए छोटे मोटे जवाब हैं, मैं इनका आपको भी जवाब देती जो आपको भी फ़ायदा हो। तो बहुत आसानी से आप इन प्लांटों को अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आप सॉइल जो बनाएंगे तो 50% गार्डन मिट्टी ले लीजिए और उसमें 30% कंपोस्ट खाद और 10% आप रिवर्स शेड मिला सकते हैं अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा हार्ड हो। और फिर उसके बाद उसमें आप लगा दीजिए, ज़मीन में लगाएंगे तो उसको आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप बहुत दिन तक रह गए। कम से कम आपका गमला कितने साइज़ का होना चाहिए, तो गमला कम से कम आप 15 इंच का गमला शुरुआत में होना चाहिए कि रूट्स जितनी अच्छी से फैलेंगे उतनी अच्छे से आपका प्लांट ग्रोथ करेगा। फ्रूटिंग के लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं कि जो मैंने उसमें फर्टिलाइज़र डाला है वो बहुत अच्छा है, उसको फर्टिलाइज़र से डालने से आपका फ्रूट बहुत अच्छे आएंगे। तो देखिए मैं दो आपको फर्टिलाइज़र बता देती हूँ। उसमें एक फर्टिलाइज़र है जिसमें बोन मील, नीम खली, बनाना पिल्स और कंपोस्ट खाद, इन सबको मिक्स करके देते रहिए तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। हर 15 दिन में दीजिए या आप 1 महीने में दे दीजिए, जिस हिसाब से आपको फ्रूट चाहिए। और इससे अच्छा आपको चाहिए, ये सब आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप एक संजीवनी जी आती है जो समुद्री घास से बनाई हुई खाद होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है, जिससे आपके प्लांट की फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी। देख रहे हैं ना सारे, सिर्फ वो आपको 15 दिन में 1 स्पून देनी पड़ेगी और फिर इतने ढेरों आपके पास फ्रूट्स मिलेंगे आपको। देख रहे हैं ना आपको कितने सारे फ्रूट्स हैं और कितने इसमें से हार्वेस्ट भी हो जाए होंगे आप खुद सोच सकते हैं। और इतनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग है, सब आपको फ्रूटी फ्रूट्स दिख रहे हैं और बहुत अच्छे लगता है, ये नज़ारा देखने में बहुत खुशी होती है। और देखिए सब बूटी बनी हुई, बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगी जो आप बहुत ईजिली बना सकते हैं, आपके घर में छोटे गमले में हो चाहे बड़े गमले में हो उसमें आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बता दी, मिट्टी भी बता दी और आपको मैंने इसकी खाद के बारे में बता दी। अब आ जाते हैं इस तरीके पर। देखिए ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने खुद इसमें मिट्टी में बांध रखा है और इसमें टाइट पॉलीथीन से अच्छे से रैप करके रखा है, तो इसमें रूट्स निकल आएंगे। जैसे कि इतना एरिया आपने ले लिया और उसमें थोड़ा सा कट लगा, हल्की सी ऊपर की जो परत है ग्रीन वाली, ये सिर्फ हटाइएगा और ज़्यादा ना हटाइए, बस इसी परत को हटा के जैसे 3 इंच की एरिया में आपने हटा ली, उसी में आप मिट्टी बांध लीजिए, जिसमें एक हिस्सा मिट्टी होगी और एक हिस्सा खाद होगी, दोनों को मिक्स करके उसमें बांध दीजिए। फिर देखिए आपको, और हाँ हर 15 दिन में थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का पानी देखते रहिए, इसमें नमी बनी रहे। अगर नमी बनी रहेगी तो 1 महीने के अंदर अंदर उसमें रूट्स आ जाएंगे, फिर आप उसको 1.5 महीने के बाद उसको कट
कट करके आप लगा सकते हैं किसी भी जगह, तो आपको नए प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, देखिए बहुत आराम से आप लगा सकते हैं इन प्लांटों को और बहुत अच्छी से ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी आपको फ्रूट्स मिलेंगे। तो इनको आप ऐसा करने से ये होता है कि हम लोग इन प्लांटों को जब ऐसे कटिंग से लगाते हैं तो इससे हमारे प्लांट की गमले में लगाएंगे तब भी बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे, छोटी सी जगह में थोड़ी सी जगह में भी फ्रूट हमको मिलने लगते हैं। जो बीज से लगाते हैं उनमें बहुत वक्त लग जाता है, इसलिए और आपको अच्छी फ्रूट्स के लिए बहुत वेट करना पड़ता है, इससे आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा और बहुत बेहतरीन वेराइटी आपको फ्रूट्स मिलेंगे। तो ये छोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दी। और देखिए बहुत से फ्रेंड पूछ रहे हैं कि मेरे यहाँ ज़्यादा धूप नहीं आती, तो देखिए धूप आज को बहुत ज़रूरी है, अगर आप अच्छी से धूप नहीं देंगे तो आपका फ्रूट्स कहाँ से आपको मिलेंगे। धूप से ही फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग अच्छी होगी तब आपको बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे। और एक बात और कमेंट्स का जवाब है, जैसे कि ग्रीन आपकी येलो लीव्स हो रही हैं, तो येलो लीव्स सभी आपके होंगी जब आप अपने प्लांट को ओवर वाटरिंग देंगे। ज़्यादा पानी देने से हमेशा आपके प्लांट की लीव्स ख़राब हो जाएंगी या प्लांट आपका लीव्स छोड़ देगा। तो कभी भी आपकी पीली लीव्स होके गिर रही हैं तो समझ लीजिए हमारे प्लांट में पानी ज़्यादा हो रहा है या फूल गिर रहे हैं। इस प्लांट को आपको पानी तब तक दीजिए जब आपके प्लांट में हल्की सी मिट्टी ड्राई हो जाए, तब आप वाटरिंग दीजिए, इसमें पानी बहुत कम मांगता है। और विंटर में स्पेशली आप उसको पानी कम से कम 10-10 दिन में दीजिए, जब इसकी लीव्स हल्की सी मुरझा रहा है तब दीजिए पानी, कि इसको पानी देंगे और जब हल्की सी मुरझाने के बाद जब पानी मिलता है तो एकदम इसको शॉक लगता है और वो फ्रूट्स लिए फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है इस प्लांट के लिए अच्छी फ्रूटिंग के लिए। तो इतनी अच्छी फ्रूटिंग आपको अगर लेनी है तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत अच्छे आपके प्लांट में फ्रूट्स मिल जाएंगे। पानी तभी दीजिए जब इस प्लांट में मिट्टी हल्की से ड्राई हो जाए, तो कई प्रॉब्लम से आपको बचत हो जाएगी, जैसे कि फूल गिरना, लीव्स पीली होना, फूल झड़ जाना, फ्रूट झड़ जाना, ये सब प्रॉब्लम तभी आपको फेस करनी पड़ेगी जब आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग होगी। और किसी तरह के कीड़े अगर इसमें लग रहे हैं तो अपने मॉल का स्प्रे कर दीजिए, ये बेस्ट आपको प्लांट के लिए जो कीड़े भगाने के लिए दवाई बता रही हो ये बहुत अच्छी होती है, इसको ज़रूर यूज कीजिएगा, इससे आपके प्लांट में बहुत अच्छी फ्रूटिंग तैयार हो जाएगी। तो देखिए छोटी छोटी मैंने आपको जानकारी दे दी है, आपको तरीका बता दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पर कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबाना ज़रूर याद रखिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी पहुँच सके। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।